स्वास्थ्य का, शांति का, समृद्धि का, हेल्दी वेल्दी प्रॉस्पेरस पीसफुल लाइफ हमें जीनी है, हेल्दी वेल्दी प्रॉस्पेरस वर्ल्ड हमें बनाना है, तो योग के अलावा और कोई मार्ग कहाँ है? चारों तरफ अभी भी हिंसा का, आतंक का साया है, कौन बचाएगा? योग और अध्यात्म ही एक मार्ग है। योगी जी महाराज, इस युग के महान योगी, जिनके रोम रोम में जन जन के कल्याण की, विश्व कल्याण की भावना, एक ही मंत्र भगवान सोनू भलू करे, एक ही मंत्र। अने तमे योगी बापा नो चित्र जुओ, अने आ साहिब नो चित्र जुओ, साहिब नी थोड़ी उमर आ योगी बापा करता थोड़ी ओछी से, पण चित्र अने चरित्र बधु योगी बापा जेवु छे, एनो प्रतिरूप छे साहिब। योगी जी महाराज आ युगना महान योगी, योगी केवा होए, योगी कौन होता है और योग क्या होता है, इसके शास्त्र का प्रमाण और ये प्रत्यक्ष अनुभूति। योगी का सबसे बड़ा लक्षण होता है वो अकाम हो जाता है, अकामा धीरा, वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में इसके लंबे व्याख्यान है। अचाह हो जाता है, अकाम हो जाता है, निष्काम हो जाता है, सारी अविवेकपूर्ण कामनाओं से जो मुक्त हो गया। और हमारे जीवन के दुखों का भी यही कारण है, जो हमारी अविवेकपूर्ण कामनाएं हैं वो शरीर के स्तर पर हैं, शारीरिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, व्यवसायिक स्तर पर, सांसारिक स्तर पर, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक स्तर पर जो अविवेकपूर्ण हमारी कामनाएं, वो हमें दुख देती है। यदि अविवेकपूर्ण कामनाएं हमारी मिट जाएं, तो हम अकाम हो जाते हैं, और जो अकाम हो गया उसके जीवन के सारे दुख मिट जाते, वो जीवन मुक्त हो जाता है, वो गुणातीत हो जाता है। योगी जी महाराज ऐसे महापुरुष थे जो अकाम थे, निष्काम थे, आप्त काम थे, आत्मकाम थे, ऐसा उनका दिव्य जीवन था। और वही अकामता, वही निष्कामता, वही आप्तकामता, ये थोड़े दर्शन उपनिषदों के शब्द हैं। अचाह हो गए, जिसके लिए, जिसको अपने लिए कोई चाह नहीं, जिसके जीवन में कोई अविवेकपूर्ण इच्छा नहीं, कामना नहीं, ऐसे ही हमारे श्रद्धे पूज्य साहिब जी। और ऐसे महापुरुष के अमृत महोत्सव में आप आए हैं। तब देखो, मैं भक्ति वाला तो हूं, लेकिन साथ में तर्क वाला भी हूं, तो हमारी भक्ति एकांगी नहीं होनी चाहिए। भक्ति इस रूप में कि भक्ति और प्रेम ही जीवन का सर्वस्व है, परंतु वो भक्ति गुरु पर केंद्रित हो, कोई ना कोई महापुरुष का जीवन में आशीष चाहिए, उसके बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, न मेधया न बहुनाश्रते न, यमेव एष वृणत तेन लभ्यस्तस्य एष आत्मा विवृणते तनुस्वा। एक महापुरुष का आशीष होना चाहिए अपने जीवन में, उनका मार्गदर्शन, उनका आश्रय, उनका आलंबन होना चाहिए, लेकिन अगली बात, अपने जीवन में भी उस महापुरुष की दिव्यता उतरनी चाहिए, यह पूरी भक्ति है। इसलिए मैं बार बार इसको आम शब्दों में भी कहता हूं, चित्र नहीं चरित्र की उपासना करो, व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की उपासना करो। आप बदा साहब जेवा थी जाओ, एले हूं भवन बाबा थवानी बात नहीं करतो,
કે બાબા બધા તમે સંત થઈ જાઓ, ગ્રસ્થ તમે મૂકી દો, એવી વાત નથી કરતો. ભાવથી, અંતરથી, મનથી તમે બધી અવિવેકપૂર્ણ કામનાઓથી મુક્ત થઈ જાઓ તો આપ ભી જીવન મુક્ત હો જાયંગે. જિસકી હમ ઉપાસના કરતે હૈ, જિસકી હમ ભક્તિ કરતે હૈ, વૈસે હમ હો જાય. હમ રામ કી ભક્તિ કરતે કરતે મર્યાદા મેં જીને લગે તો સમજના રામ કી ભક્તિ હમ મેં ઉતર ગઈ. હમ રામ કી ભક્તિ કરતે હૈ ઔર જીવન મેં મર્યાદા નહીં હૈ. ગૃહસ્થ કી એક મર્યાદા હોતી હૈ, એક પિતા કી મર્યાદા હોતી હૈ, માં કી મર્યાદા હોતી હૈ, રાજા કી એક મર્યાદા હોતી હૈ, સંન્યાસી કી ભી એક મર્યાદા હોતી હૈ. યદિ કોઈ રામ કી ભક્તિ કરતા ઔર જીવન મેં મર્યાદા નહીં હૈ તો રામ કી ભક્તિ પાખંડ હો જાયેગી. કોઈ કૃષ્ણ કી ભક્તિ કરતા હૈ, આપસ મેં મિલે ભી તો જય શ્રી કૃષ્ણ બોલતા હૈ, કૃષ્ણ ઉપાસક હૈ ઔર કૃષ્ણ કા યોગ ઉસમે નહીં ઉતરા, કર્મ યોગ ઉસમે નહીં ઉતરા, જ્ઞાન યોગ ઉસમે નહીં ઉતરા, તો ફિર વો ભક્તિ, મેને કહા ના એકાંગી ભક્તિ, જબ જો હમારા ઉપાસ્ય હૈ વૈસા ચરિત્ર હમારા હો જાય, યે હમારી પૂરી ભક્તિ. અબ આપ હનુમાનજી કી ઉપાસના કરે ઔર આપ મેં હનુમાન જૈસા સમર્પણ ના હો, હનુમાન જૈસા તેજ ના હો, હોજ ના હો, શૌર્ય ના હો, પરાક્રમ ના હો, તો ફિર ભક્તિ પૂરી નહીં. તો ભાઈ દેખો, આપ ઇતની ધૂપ મેં આતે હો, અપને અપને આવશ્યક કાર્યો કો છોડ કે આતે હો, અનન્ય ભક્તિ રખતે હો સાહેબ કે પ્રતિ, પ્રેમ રખતે હો, અનન્ય પ્રેમ, અપના સ્વરૂપ દેખતે હો, યોગીજી મહારાજ કા સ્વરૂપ દેખતે હો, ઉનમે એક મુક્ત પુરુષ કા સ્વરૂપ દેખતે હો, બ્રહ્મ સ્વરૂપ દેખતે હો, ઔર ગુરુ સત્તા મેં બ્રહ્મ કે સ્વરૂપ કો દેખતે દેખતે પૂરે બ્રહ્માંડ મેં હી બ્રહ્મ કે સ્વરૂપ કો દેખને લગતે હો. ઇસલિયે અનુપમ મિશન મેં તો જો મુખ્ય શક્તિ કેન્દ્ર હૈ, મંદિર તો હૈ, ઉસ સ્થાન કા નામ હી બ્રહ્મ જ્યોતિ હૈ. ઓમ સર્વમ ખલો ઇદમ બ્રહ્મ, બ્રહ્મે ઇદમ અમૃતમ પુરસ્તાત્ બ્રહ્મ પશ્ચાત બ્રહ્મ દક્ષિણતશ્ચ ઉત્તરેણ અધશ્ચ ઊર્ધ્વમ ચ પ્રસૃતમ બ્રહ્મ ઇદમ વિશ્વમ ઇદમ વરિષ્ઠમ. સબ કુછ બ્રહ્મમય હૈ. જબ બ્રહ્મ મિટ જાતા હૈ તો એક બ્રહ્મ હી તો શેષ રહ જાતા હૈ. ઓર યે બ્રહ્મત્વ કો પાના યહી ગુણાતીત સ્થિતિ હૈ. ઓર યે જો હમારે મહાપુરુષ હમે પ્રેરણા દેતે હૈ વો યહી દેતે હૈ કે હમે ઇસ સ્થિતિ મેં પહોંચના, યહી હમારા ગંતવ્ય હૈ, ધ્યેય હૈ, યહી હમારી જીવન કી અંતિમ મંજિલ હૈ. હમ ઇસ અમૃત મહોત્સવ મેં આયે તો પૂરા અમૃત છક્કર કે જાયે, કે જૈસા હમ અપને ગુરુસત્તા કો દેખતે હૈ ઉસ સમર્થ ગુરુસત્તા જૈસા સામર્થ્ય અપના ભી વિકસિત હો જાય. ગુરુ શિષ્ય કા એક મંત્ર હોતા હૈ હમારી વૈદિકી પરંપરા મેં, મેરે સાથ આપ મિલ કરકે બોલો, એ અમૃત મહોત્સવ કા તો યહી તો પ્રયોજન હૈ ને. અહીંયા આવ્યા ના ખાલી ભજનો સાંભળ્યા ને થોડું સત્સંગ કીર્તન સાંભળ્યો ને ઉપદેશ પ્રવચન સાંભળ્યા અને ખાઈ પીને અને શ્રીખંડ ખાયું અને પછી જતા રહ્યા. આટલું આ અમૃત મહોત્સવ કોઈ સાહેબની પાર્ટી નહીં ભાઈ. હા અહીંયા આવ્યા છો ના તો આપ અમૃત પૂરો છકીને અમૃત અમૃતમય થઈને તમે જાઓ. શું છે ગુરુ શિષ્યનો મંત્ર મારે સાથે તમામ બધાને બોલવું પડશે. હા બોલો. મમ વ્રતે હૃદયમ તે દધામી મમ ચિત્તમ અનુ ચિત્તમ તે અસ્તુ મમ વાચમ એકમન જુષસ્વ બૃહસ્પતિ ત્વા નિયુનક્તુ મહ્યમ. સબને બોલા હે ના, મમ વ્રતે હૃદયમ તે દધામે મમ ચિત્તમ અનુચિત્તમ તે અસ્તુ. મેં ગુરુ કે વ્રત સે, ગુરુ કી સંકલ્પ સે, ગુરુ કે વિચાર સે, ગુરુ કે સિદ્ધાંત સે,
गुरु के संकल्प से एकाकार हो चुका हूँ। मम वृत्ति हृदय ते दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मना जुसस्व। मेरी वाणी गुरु जैसी ही होगी, गुरु की जैसी वाणी, गुरु का जैसा व्यवहार, गुरु का जैसा आचरण, गुरु का जैसा चरित्र मेरा होगा। ये गुरु शिष्य परंपरा है। ऐसा नहीं जैसा महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि गुरु लोभी चेला लालची दोलो खेले दाओ, भव सागर में डूबते वैद पत्थर की नाव। ऐसे भी बहुत से गुरु घंटाल है इस देश में। पाखंडियों ने लाइन लगी रही सी हा, घना बदा तो हम कृपा करवा बड़ा हम बधु सौदाबाजी चालती हो या। अरे भाई आ गुरु शिष्य ने परंपरा शू से, गुरु जेव आचरण आप साहेब जारे बात करे तो बदा साहब न थी जाए। अब पहले हम 20-22 साल पहले मिले थे और तब से साहिब के ही हो गए। ऐसी इनकी वाणी है, ऐसा इनका व्यवहार है, ऐसा इनका बर्तन है, ये वो आचरण से तो आपने यही भी वाणी बोलवानी। सो थी वधारे दोष जीवन में वाणी ना हो से, इसलिए वेद में जब उपदेश देते ना तो सबसे पहले वाणी के उपदेश सबसे ज्यादा है कि हमारी वाणी और वर्तन। अपने संतो पण उपदेश करे तो अपनी वाणी अपनो वर्तन ए दिव्य होवू जोईए। मधुमन में निक्रमणम, मधुमन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत भूया सम मधु संदृश, वेद नो उपदेश है। मम वाचम एक मना जुसस्व बृहस्पतिस्व नी युनक्तो या। एवा एवी साधना एवो भाव गुरु साथे कि एकाकार थईने आपणे जीवानो छे। तो आज इस अमृत महोत्सव में आप सब ऐसे ही होकर के जाओ जैसे साहब जीते, जैसे संत जीते। पूज्य हाँ हरिप्रसाद स्वामी जी हाँ घना वर्षों पछी स्वामी जी साथे अत्यारे मळ्या, केटला दिव्य महापुरुषों से। अपना बधा ज ब्रह्म स्वरूप संतो भगवा वस्त्र में से क्या योगी जी महाराज जी इने आपेली दीक्षा ना वस्त्रो छे, एटले ए मात्र वस्त्र नहीं एक महापुरुषनो प्रसाद छे। एटले जे महापुरुष जे कहे एज आपणो धर्म। योगी जी महाराज जी कीधु कि आज वस्त्र में रहीने आपणे ब्रह्म स्वरूप थईने भगवाननुं काम करवानुं छे, भगवानना माटे ज जीवानुं छे। तो आप बधा एवा ब्रह्म स्वरूप थईने अहींथी जाओ। संतों के पास में आते हैं तो संत क्या ज्ञान देते, दो ही तो हमें बात बताते हैं संत मूल रूप से। बाकी तो पूरा जीवन का दर्शन संत के चरित्र में होता है, आचरण में होता है। एक तो भगवान का स्वरूप समझाते हैं। भगवान का स्वरूप क्या है? तो भगवान के स्वरूप को भिन्न भिन्न कल्पनाएं हमने की हुई है, लेकिन गीता में भगवान ने अपना स्वरूप क्या बताया? वेदों में भगवान ने अपना स्वरूप क्या बताया? यस्य भूमि प्रमांतरिक्षमुतो धरम दिवम यशक्रि मूर्धानम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथामाग्रधः कस्य सिद्धनम्। विश्राहो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्वसि इन्द्रस्य युज्यः सखा। कुछ बहुत गहरी बात कही है, उसको बहुत सरल भाषा में गीता में कहा है। आप भी जरा मेरे साथ बोल लो, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान नु दर्शन शू छे? यो माम पश्यति सर्वत्र, जो सब में मुझको देखता है और मुझ में सबको देखता है, मैं उसके लिए एक क्षण के लिए भी उज्जल नहीं होता। ये भगवान का दर्शन है। तो आज ऐसी दृष्टि लेकर के जाओ इस अमृत महोत्सव में कि आपको गुरु में भगवान का रूप दिखे, माता पिता में भगवान का रूप दिखे, पति को पत्नी में, पत्नी को पति में, परस्पर एक दूसरे में, मनुष्य और मनुष्यतर जीव जगत में
सियाराममय सब जग जानी वासो देवा सर्वम ईशावास्यमदम सर्वम ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। देखो बातें अलग अलग तरीके से कही जाती हैं, बात के कहने का तरीका कुछ भी हो सकता है। उसको वेद में कहा एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति, एक असत्य को अनेक रूप से हम कहते हैं सुनते हैं। दृष्टि यही कि सब हमें ब्रह्म के ही रूप को देखना है। ये तो हो गया भगवान का दर्शन। सारा क्रिएशन कितना जबरदस्त है, शरीर के एक एक कोशिका से लेकर के ब्रह्मांड के एक एक परमाणु से लेकर के ये पिंड और ब्रह्मांड कितना रहस्यपूर्ण, कितना रोमांचक, कितना वैज्ञानिक है। लोग कहते हैं कि हमको भगवान दिखाई नहीं देता। मुझसे 20-25 साल पहले जब कोई पूछता था, क्योंकि हमने तो 15 वर्ष में ही ये भगवान के रास्ते पर चलने का संकल्प ले लिया था, तो पहले कोई पूछता था क्या आपको भगवान का दर्शन हो गया, तो हम संकोच में कुछ बोलते नहीं थे। अब कोई पूछता है तो कि बाबा जी आपको भगवान का दर्शन हो गया, मैंने कहा भैया हो तो गया। बोले हमको भी करवा दो, मैंने कहा तुम भी कर लो। बोले किस में कर लो, मैंने कहा सबसे पहले तो अपने आप में कर लो, फिर मुझ में कर लो, फिर सब में कर लो। हमारे शरीर की एक एक कोशिका, उसके जो रिसेप्टर्स हैं, जीन्स हैं, क्रोमोजोम्स हैं, डीएनए तक, जैसे एक बीच में पूरा वृक्ष होता है, ऐसे एक शरीर की कोशिका में वन सेल इक्वल टू वन बॉडी एंड वन बॉडी इक्वल टू वन यूनिवर्स, इतना बड़ा सत्य है। इतना बड़ा सत्य होते हुए भी हमको अपने स्वरूप में भगवान का स्वरूप ना दिखे और इस पूरे अस्तित्व में भगवान का रूप ना दिखे, तो ये तो मूर्खता होगी, ये तो अज्ञान की अविवेक की पराकाष्ठा होगी। सब में भगवान का रूप। मैं तो एक छोटा सा भजन गाता हूं, बहुत देर होगी, सुनाए भजन। ए बजाओ तुम भी। ओ कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, किसी ने समंदर सभी नारे भी।
अमर शहीदों की। तो देखो भाई, ये तो भगवान का स्वरूप है। क्यों मजा आ गया? तो आवाज दर्शन करता रहे जो दर रोज, सौ में भगवान नो दर्शन करवा लो। सभी भगवान के स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। ये तो हो गया भगवान का दर्शन। फिर भगवान की पूजा क्या है? तो अपना कर्म ही भगवान की पूजा है। ये अगला मंत्र बोल देता हूं, अपना कर्म ही भगवान की पूजा है। बोलो मेरे साथ, स्वकर्मण तम अभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवः। स्वकर्मण, अपने कर्म से, तम अभ्यर्च उसकी पूजा कर। बस मैं सुबह योग कराता हूं तो सबको भगवान का स्वरूप मान करके उनको योग कराता हूं कि मैंने अपने भगवान की पूजा कर दी। मठों में, मंदिरों में, गिरजाघरों में, जो जहां जहां जिसके अपने देवस्थान है वहां उपासना करते हैं, मैं सबका आदर करता हूं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, पानी में मीन पियासी रे मोहे सुनी सुनी आवत हासी, आत्म जान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन फिर उदासी रे मोहे सुनी सुनी आवत हासी, जाको ध्यान धरे विधि हरि हर मुनि जन सहस अठासी, सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी, है हाजिर के ही दूर बतावे दूर की बात निराशी, कहे कबीर सुनो भाई साधु गुरु बिन भर मन जासी रे मोहे सुनी सुनी आवत हासी। अब लोग भटक रहे, अरे भाई अपना कर्म पूरी पवित्रता से करो। और कैसे करो? सब ज्ञान, सब शक्ति, सब सामर्थ्य, सब ऐश्वर्य का, सब सुख का आधार भगवान को मान करके, कर्तृत्व के अहंकार से मुक्त हो करके, हर एक काम को भगवान की पूजा मान करके करना। बस यही पूजा है। सबका आधार तो परमात्मा है, फिर किस बात का अहंकार? अभी पीटर भाई बोल रहे थे, स्वामी जी मैं अहंकार नहीं आवियो, अहंकार सानू करो मारा भाई, आ ज्ञान मारो छे नहीं, योग मारो छे नहीं, आ देह पण मारो छे नहीं, आ ज्ञान भगवान नो, योग भगवान नो, आ देह भगवान नो, आ देश भगवान नो, आखो ब्रह्मांड भगवान नो, पछी सानु अहंकार करवानो भाई? जारे आखो ब्रह्मांड भगवान नो छे तो आपने निमित्त मात्र थईने जेवी प्रेरणा भगवान आपे ए आपने करता जवानो। आमा शू तो फिर क्या बोलोगे? मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुदेव के समर्पण में, भगवान के समर्पण में ऐसे जीना। करता है मेरा मालिक, करता है मेरा मालिक, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। ऐसी पतवारी के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवारी के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, तमाम हो रहा है। करता है मेरा मालिक, करता है मेरा दाता, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। और तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा, प्रभु तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी सुन करके एक इशारा, मेरी जिंदगी बदल दी सुन करके एक इशारा।
एहसान पर तेरा एहसान हो रहा है, एहसान पर तेरा एहसान हो रहा करता है मेरा मालिक, करता है मेरा साहिब, मेरा नाम हो रहा है सब काम हो रहा है, मेरा आपके पास सब काम हो रहा है। तो यही भगवान की पूजा है, बस जो भगवान करा रहे सब कुछ करने की शक्ति सामर्थ्य भगवान दे रहे, मैं निमित्त मात्र हूं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तो बस इतनी बात तो आज के संदर्भ में कहनी थी, बाकी मैं जो हूं तो योगनी बात तो दरेक जगह करूज करूँ, हा तो अत्यारे भी बात योगनी करो, अत्यारे तो गुरुनी भगवाननी बात करी, भगवान ने दर्शन पूजानी बात करी, ગુરુની પૂજાની વાત કરી, ગુરુનું પૂજન પણ કેવું, જેવું ગુરુનું આચરણ એવું જ આચરણ આપણે કરવાનું, એ જ ગુરુનું સાચું પૂજન છે। તો પછી યોગ, આ યોગ તો અમારો આધાર છે, તો એક તો સાહેબ તો દરરોજ કરે છે, એટલે જેમ જેમ ઉંમર વધતી જાય છે ને સાહેબ સ્માર્ટ હોતા જાય છે, દરરોજ પ્રાણાયામ કરે છે સાહેબ। હા સાહેબના 20 વર્ષ પહેલા અમે જોયા ના, 20 વર્ષ પહેલા જેવા હતા એવાના એવા જ છે, હા, અને 100 વર્ષ સુધી સાહેબ એવાના એવા જ રહેશે, અને આપણે સૌને આશીર્વાદ આપતા રહેશે। જીવેમ શરદઃ સતમ ભૂયશ્ચ શરદઃ સતત, એવી ભગવાનને ચરણોમાં, ભગવાન સ્વામિનારાયણને ચરણોમાં પ્રાર્થના। પણ આપણે પણ છે ને યોગી થવાનું છે, અમે આપણા પણ આદર્શ તો યોગી બાપા જ છે ને, તો અને સ્વામિનારાયણ ભગવાન તો પોતે યોગ જ કરતા હતા, હિમાલયમાં ગયા હતા તો શું કર્યું, અષ્ટાંગ યોગનો અભ્યાસ કર્યું। એટલે જે સ્વામિનારાયણ ધર્મને પાળે છે અને અષ્ટાંગ યોગનો અભ્યાસ નહીં કરે એ પૂરું સ્વામિનારાયણનું છે જ નહીં।